बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिनक्स जीएटीके 4 जो पाइपलाइन हम कर रहे हैं, अभी हम उसका स्टेप नंबर 9 करने जा रहे हैं। और इस स्टेप के अंदर हमें जिस सॉफ्टवेयर पैकेज की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है VCF LIB। और इसकी जो फीचर हम यूज करेंगे वो है VCF एलिलिक प्रिमिटिव्स। और हम इस फीचर को यूज करते हुए हमारी जो पिछले स्टेप के अंदर 3 फाइल जनरेट हुई थी, जिनके अंदर .vcf फाइल्स थी, .idx फाइल थी और .stats फाइल्स थी। तो ये 3 फाइल्स जो हमारे स्टेप नंबर पिछले स्टेप के अंदर जो जनरेट हुई थी, उस स्टेप के अंदर हमारे उनमें से जो फाइल .vcf है उसको हम यूज करेंगे। सो इस स्टेप के अंदर जो कि स्टेप नंबर 9 है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रांजेंड में। यहां पर हम इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, ओपन इन अ टर्मिनल। ये आपके पास टर्मिनल में ये ओपन हो गया है और इसमें हमने जो लास्ट स्टेप किया था उसको चेक करते हैं। जो लास्ट स्टेप था वो हमारा, हमने जीएटी के फोल्डर के अंदर काम किया था और जीएटी के फोल्डर जो सॉफ्टवेयर पैकेज है ये हमने यूज किया था। तो जरा देखते हैं कि उसके अंदर हमारी कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है और उनमें से कौन सी फाइल हमने एज ए इनपुट यूज करनी है नेक्स्ट फोल्डर के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सो वी हैव टू गो इन टू द जीएटी के फोर ऑटो कंप्लीट विद द टैब एंटर ls -lh। So we are in our previous folder, that was GATK4, and here you can see that we generated 3 output files with the ddup1.vcf, .vcf.idx, .vcf.stats. So we have, now we will use this VCF file in our next step, that is we are going to do. So we have to go one step back here, ls -lh. So here is no folder, there is, I mean यहाँ पर कोई फोल्डर ऐसा नहीं है जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने स्टेप पहले भी परफॉर्म किया हुआ है तो मैं ये देखना चाह रहा था, तो ये इधर पहले तो नहीं है, सो इस फोल्डर में नहीं है। सो वी नाउ वी आर गोइंग टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल VCF LIB। सो वी विल गो इन टू अवर जिनोम ब्राउजर। यहां पर आप लिखें वी हैव टू डाउनलोड VCF lib। सो आपको आज एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं गिट हब के नाम से। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर बेशुमार किस्म की चीजें आप सेव कर सकते हैं, मुख्तलिफ कोडिंग्स, बहुत सारे जो स्क्रिप्ट हैं वहाँ पड़े हुए हैं, ना सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो ये एक कंबाइंड डेटाबेस है जहाँ पर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिंक पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारे लोग अगर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हर बंदा अपने जो स्क्रिप्ट है जिस लैंग्वेज में भी हो वो इसको यहाँ पर शेयर कर सकता है और तमाम जो रिसर्चर कम्युनिटी है वो इससे फ़ायदा उठाती है। तो इसको क्लिक करते हैं तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के काम लोगों ने किए हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं। सो चूंकि हमने इसको अभी VCF lib के लिए खोला है तो यहाँ पर आपको ये कोड नज़र आएगा और ये एक लिंक पड़ा हुआ है, आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप टर्मिनल में जाएं और वही तरीका wget और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें तो ये आपका जो VCF lib है ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के अंदर VCF lib के नाम से एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा जो कि कहां पर होगा मैंने तकरीबन हर स्टेप के अंदर आपको बताया है। तो आप जाएंगे अपने ट्रांजेंड में,
अदर लोकेशंस में, कंप्यूटर में, और आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि वी सी एफ लिब के नाम से कोई फोल्डर जनरेट हुआ है, तो ये आपका आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस वक्त इस जगह इस लोकेशन में मेरे पास ये नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास माइट बी, लेट सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, दूसरा तरीका ये है। अच्छा, पहले तरीके में तो ये है कि आप ज़ाहिर है ये आपके पास फोल्डर आ जाएगा। ये जो फोल्डर है ये आपने अपने फोल्ड, ये वाला जो फोल्डर है जो नया जनरेट होगा, ये आपने ट्रांजेंट और जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसको लेकर जाना है। राइट क्लिक हेयर, कॉपी कर लें या मूव टू। जैसे आप मूव कॉपी करेंगे और ये आपके सामने लुक आ जाएगा कि आपने कहाँ करना है। ट्रांजेंट के अंदर इसके अंदर करना है और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ये यहाँ पर चला जाएगा जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं, और वो हमारा ये वाला फोल्डर है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपने इसकी जिप फाइल डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस और उसी तरीके से डब्ल्यू गेट टर्मिनल के ऊपर लिखें और आप टर्मिनल के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम इन दोनों चीज़ों के अंदर ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के उस लोकेशन के अंदर यहाँ पर जाकर ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका एक दूसरा हल ये है कि अगर आप इसको जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं आप वहाँ पर अगर आप इसको इंस्टॉल और डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसके नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें एक और लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें ये सोर्स है, तो यस जस्ट आप यहाँ से इसको इतना सा कॉपी करें, कंट्रोल कॉपी, और आप इसको टर्मिनल में जाएं और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको जो है ना डब्ल्यू गेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं वहीं पर ये डाउनलोड हो जाएगा और इसकी इंस्टॉलेशन भी यहीं पर हो जाएगी। और ये आपका ये वाला फोल्डर है, तो ये वाली जो है ये वहाँ पर आप ये वाला जो बेहतर है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर की अपनी स्पेस बचानी है तो आप इस फोल्डर के अंदर कर लें, और डेफिनेटली ये वाला फोल्डर हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो यूज़ नहीं होगी। सो इस तरीके से आपने ये वाला जो सॉफ्टवेयर पैकेज है इसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, सो अब आगे चलते हैं उस कमांड की तरफ। सो हम जाते हैं दोबारा GATK4 में, CD GATK4 के अंदर चले गए, और यहाँ पर हमने लास्ट जो है ना वो परफॉर्म किया था, तो यहाँ पर अब हम VCF, क्योंकि हमारी जो इनपुट फाइल है वो इधर पड़ी हुई है। ठीक है, और मेरा जो वो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो भी इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर के अंदर, तो अब मुझे पर्टिकुलरली उस VCF लिब के अंदर नहीं जाना पड़ रहा, तो वो कमांड इधर भी रन हो जाएगी। सो मैं आपको वो कमांड रन करके दिखाता हूँ कि जो कमांड अब हमें चाहिए असल में, जो स्टेप नंबर 9 है वो है ये वाला। तो इसको रन करने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्टॉलेशन हुई है ये हुई है कि नहीं, वो पहले भी मैंने मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर दिखाया हुआ है, तो आप दोबारा देख लें VCFLIB के नाम से ये चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि VCFLIB के नाम से जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है और उसकी इतनी ज़्यादा फीचर जो आप हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो माइट बी इनके अंदर VCFLIB भी किसी जगह हो, एनी हो, सॉरी VCFLIB तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज है और उसके अंदर
ये वाली जो सारी इसकी फीचर हैं इसके अंदर होना चाहिए VCF allylic primitives. VCF allylic primitives हम यूज़ करेंगे, VCF allylic primitives इसकी फीचर हम यूज़ करेंगे, ये वाली. यस आई एम सॉरी, VCF lib जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेज है और उसकी जो ऑप्शन और फीचर यूज कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं, VCF allylic primitives. और VCF allylic primitive जो है वो क्या करता है, ये मैंने आपको सेम जो पाइपलाइन है गैलेक्सी के अंदर हमने उसमें भी बताया था, अभी हम आपको दोबारा वही पेज दिखा देंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं. हमारा VCF lib के नाम से जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है और उसकी ये तमाम फीचर्स हैं. अगर आपने इनको वन बाय वन पढ़ना हो तो हम इसके के साथ क्या कर सकते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आप जस्ट गूगल के ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं या जो मैनुअल है VCF lib का उसके अंदर जाकर आप इसको देख सकते हैं. तो हम यूज़ करेंगे VCF allylic primitives. इसको ज़रा ऊपर आते हैं क्लियर करते हुए, ls-lh. अच्छा जी, यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं वो है, फीचर यूज करने जा रहे हैं वो है VCF allylic primitives. यस ये है. तो आप क्या लिखेंगे कमांड, आपकी कमांड का जो सिंटेक्स्ट होगा वो ये है, VCF lib यूज कर रहे हैं, इसकी जो फीचर है वो VCF allylic primitives. स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा आपने कॉन्शियस रहना है क्योंकि ये कई दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बास होते हैं. मसलन मैं आपसे पहले प्रैक्टिस कर रहा था तो इसके स्पेलिंग में मेरी गलती थी, primitives PRE मैं लिख रहा था तो वो ये कमांड नहीं रन हो रही थी, तो इसलिए आपने क्योंकि आमतौर पर वो primitive लिखते हुए ज़्यादातर वो PRE है तो वो मैं स्पेलिंग की गलती कर रहा था तो वो ये कमांड नहीं चल रही थी. अच्छा जी, ये आपका सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, ये आप इसकी फीचर यूज़ कर रहे हैं और -m जो फ्लैग है आप यूज़ कर रहे हैं, -m फ्लैग यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आप लिखेंगे अपनी इनपुट फाइल. और हमारी जो इनपुट फाइल है वो स्टेप नंबर 8 के अंदर हमारी 1, 2 और 3 ये फाइल जनरेट हुई थी. इनमें से जो मेजर फाइल है 13K की वो वाली ये है ddub.vcf. तो हमारी जो इनपुट फाइल है वो हम ये यूज़ करेंगे. आप इसको लिख लें या आप इसको कॉपी कर सकते हैं, हमारी इनपुट फाइल को, ये वाली फाइल है, आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, ये आपकी फाइल आ गई. उसके बाद जो आउटपुट फाइल है वो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं बड़ा लंबा नाम यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आप कोई चीज़ बोलेंगे नहीं और अगर आपको भूल भी जाता है कि ये कौन सी फाइल है तो इसका नाम ही आपको बता देगा कि ये फाइल क्या है. तो हमारी ग्लासगो और वुहान जो है उसकी स्ट्रेन का कंपैरिजन हो रहा है. हमने बैम फाइल जनरेट करने के बाद उसके ऊपर ये वाला काम किया था जो कि ऐड और रिप्लेस रीड ग्रुप है, फिर हमने सॉर्टिंग की थी, फिर हमने डीडुप्लीकेशन की थी और अब हम VCF allylic primitives के नाम से इस फाइल का नाम दे रहे हैं. ठीक है जी, तो आप इसके एंड पे VCF भी लिख दें ताकि ये पता चलता रहे कि ये VCF फाइल ही है और उसके ऊपर ये चारों काम हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4. यस डॉट VCF. तो ये आपकी कमांड कंप्लीट हो जाती है. इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, VCF लाइब्रेरी, VCF lib ये उसकी फीचर है, VCF allylic primitives, ES भी लगाना है primitives, -m फीचर यूज़ करेंगे और ग्लासगो वुहान ये आपकी इनपुट फाइल है स्टेप नंबर 8 से और आपकी जो आउटपुट फाइल होगी ये जनरेट होगी. अब थोड़ा सा इसको रन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये VCF allylic primitive करेगा क्या. तो लेट्स गो इनटू द गैलेक्सी, वहाँ से हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाए. हमने यही कमांड जो है ये गैलेक्सी के जो पाइपलाइन है उसमें भी यूज़ की थी और ये वो वाली लाइब्रेरी मेरे पास, वो वाली हिस्ट्री मेरे पास खुल गई है और ये वाला वो स्टेप था जो हमने गैलेक्सी पे परफॉर्म किया था. अगर आपने इसको देखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं तो ये देख लें कि ये इसका पर्पज़ है. इफ़ मल्टीपल एलीलिक प्रिमिटिव्स गैप्स एंड मिसमैच आर
स्पेसिफाइड इन अ सिंगल VCF रिकॉर्ड. दिस टूल, ये जो VCF प्रिमिटिव टूल है, दिस टूल स्प्लिट द रिकॉर्ड्स इनटू मल्टीपल लाइंस बट ड्रॉप्स ऑल इंफॉर्मेशन फील्ड. प्योर MNP, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आर स्प्लिट इनटू अ मल्टीपल SNPs. ठीक है जी, तो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म जो हैं वो SNP में चले जाएंगे. मसलन अगर आपके पास ये जी है, ये जी है और ये सी है, लेकिन अगर आपके पास ये जी है और ये भी सी है और ये जी है और ये भी सी है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो बेस पेयर्स हैं ये इकट्ठे चेंज होते हैं. ठीक है जी, तो ये SNP कहलाएगी, ये फिर MNP हो जाएगी, यानी कि दो तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं. तो वो आपकी जो फ़र्ज़ किया ये तीन की हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो इसको पहली वाली को अलहदा कर देगा, दूसरी वाली को अलहदा कर देगा, तीसरी वाली को अलहदा कर देगा, तो वो आपकी MNPs को SNPs के अंदर कन्वर्ट कर देगा. अनलेस द माइनस एम फ्लैग इज प्रोवाइडेड. ठीक है जी, तो वो देखें माइनस एम फ्लैग प्रोवाइड करके हम ये काम नहीं करना चाह रहे हैं. हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो SNP अलहदा रहें. अगर कोई हमारे सीक्वेंस के अंदर MNPs हैं तो वो MNPs ही हमें डिस्प्ले हों, वो हमारी MNPs को SNPs के अंदर कन्वर्ट ना करें. तो हमने माइनस एम फ्लैग यूज किया है. ये देखें आप, ये माइनस एम फ्लैग यूज कर रहे हैं ये. ठीक है जी, तो माइनस एम फ्लैग यूज करो और ये हमारी इनपुट फाइल है. ठीक है जी, सो इसी तरीके से आप जो और अलहदा ऑप्शन जो यूज कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस वो ये हैं. माइनस एम हम यूज कर रहे हैं, दैट विल रिटेन द MNPs एज अ सेपरेट इवेंट्स. तो हम अपनी MNPs को MNPs ही रखना चाह रहे हैं. इसी तरीके से माइनस टी का जो ऑप्शन है ये यूज कर सकते हैं, माइनस कैपिटल एल, माइनस के, माइनस जी. तो ये मैं बात आपको उस वक्त भी बताई थी कि ये सारी चीज़ें गैलेक्सी ने भी दी हुई हैं, कि अगर आप यही कमांड टर्मिनल पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि ये हम क्या करने जा रहे हैं. सो इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को. जीनोटाइप्स आर फेज्ड वेयर कॉम्प्लेक्स एलील्स हैव बीन डीकम्पोज्ड प्रोवाइडेड जीनोटाइप्स इन द इनपुट. तो ये आप ये स्टेप करने जा रहे हैं, इसकी ये डिटेल है और ये वाला हम इसकी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं माइनस एम सिंगल. ठीक है जी, बाकी जो है ऑप्शंस ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू योर, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी पाइपलाइन दैट इज़ फॉर द बिगनर्स. सो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. तो आप फिलहाल ये आपके पास तमाम रिसोर्सेज आ चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं कि आपका अपना पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है और कौन कौन सी फीचर आप यूज़ करना चाह रहे हैं. सो लेट्स बैक टू द टर्मिनल. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ ऑप्शन. दिस इज़ इनपुट फाइल एंड दिस इज़ आउटपुट फाइल. सो लेट्स गो एंड रन दिस कमांड. आई एम गोइंग टू एंटर इट. सो ls माइनस lh. सो ये देखें जी, आपके पास ये फाइल जनरेट हो गई है जिसका नाम ग्लासगो भवन AR ये और प्रिमिटिव डॉट VCF 13K की. ठीक है जी, सो ये आपका एलिलिक प्रिमिटिव स्टेप जो हो गया है. और इसके बाद अब हम स्टेप नंबर 10 के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी स्टेप नंबर 10 में. अस्सलाम वालेकुम.